हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम अपने SST क्लास 10th की उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो हमारे हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था स्ट्रगल ऑफ 1857 के बारे में, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, और उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और आगे कंटिन्यू करके हम उसको कुछ और उसमें चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है, रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, किस तरह से जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो रीजंस थे, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल के जो रीजंस थे फेलियर के लिए, ये स्ट्रगल ऑफ 1857 है, इसका फेलियर क्यों रहा है, है ना, ये हमें यहाँ पे जानना है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लैक ऑफ, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ यूनिटी भी आप समझ रहे होंगे, यूनिटी मतलब होता है एकता, तो एकता की यहाँ पर कमी थी और ऑर्गेनाइजेशन की भी कमी थी। जो संगठन बना हुआ था, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, उस चीज़ की भी यहाँ पर बहुत कमी थी। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप मतलब क्या होता है, लीडरशिप आप समझ रहे होंगे, लीडरशिप मतलब कोई भी एक व्यक्ति ऐसा जो लीड कर रहा हो, है ना, लीड कर रहा हो, तो वो उस लीडरशिप की भी बहुत कमी थी। कोई व्यक्ति लीड करने वाला नहीं था, प्रॉपरली उसको रन करने वाला नहीं था। जो हमारी जो रिवॉल्ट में जो आर्मी जो थी आगे बढ़ रही थी और उसको जिस तरह से फाइट करना था, उसको लीड करने वाला कोई नहीं था। ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड वेपन्स मतलब जो उनके पास हथियार थे, है ना, हथियार बिल्कुल पुराने किस्म के हथियार थे, और पुराने किस्म के हथियार ऐसे थे जो बिल्कुल भी ज़्यादा संवेदनशील नहीं थे। संवेदनशील होने के साथ में बिल्कुल भी जिसे हम कहें मॉडर्नाइज नहीं थे, है ना। और यहाँ पे जितने भी जो रिवॉल्ट में जो दूसरी आर्मी थी उनके पास में सारे वेपन्स आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे वेपन्स उनके पास थे, चाहे अगर मॉडर्नाइज वेपन्स की बात करें हम, पर यहाँ पर तीर भालों का ही इस्तेमाल यहाँ पर होता था, आउटडेटेड वेपन्स थे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, अनअवेयरनेस ऑफ द बहादुर शाह जाफर। अब यहाँ पे बहादुर शाह जाफर था, बहादुर शाह जाफर को बिल्कुल भी पता नहीं था इसके बारे में, युद्ध के बारे में, और युद्ध को किस तरह से लीड करना है बिल्कुल भी अवेयर नहीं था यहाँ पे, तो अनअवेयरनेस भी यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल भी जागरूक यहाँ पे बहादुर शाह जाफर नहीं था। प्री मच्योर एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन वही है कि हम जिस तरह से आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेशन का कोई भी उनका एक प्रॉपर सही तरीके से नहीं चल रहा था उनका कम्युनिकेशन, जो बातचीत उनकी होती थी वो कम्युनिकेशन सही तरह से नहीं चल रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लैक मतलब वो तो वो ही होता, कमी, बातचीत की कमी, कम्युनिकेशन कमी, कम्युनिकेट करने की कमी, है ना, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको पॉइंट में लिखना है। लोकलाइज्ड रिवॉल्ट, और हम बात करें एक लोकलाइज्ड रिवॉल्ट, इट वॉज नॉट अ नेशनल रिवॉल्ट, नेशनल रिवॉल्ट नहीं थी ये, नेशनल स्ट्रगल नहीं थी ये, और एक लोकलाइज्ड रिवॉल्ट बनकर ही रह गया था ये 1857 का जो स्ट्रगल था। फेलियर इसलिए था क्योंकि ये लोकलाइज्ड रिवॉल्ट ही बनकर रह गया था, ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसको हम नहीं आंक सकते हैं, नहीं उसको हम देख सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, दे वर नॉट हैविंग नो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज उनके पास थी नहीं, वो जो जिस तरह से वो कम्युनिकेट करे, जैसा कि मैं शुरू वाले पॉइंट पे मैं आपको बताया था, तो उनके पास कम्युनिकेशन करने के लिए कोई भी एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी, है ना, प्रॉपर लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से उनको कम्युनिकेट यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ कॉजेज थे फेलियर के, कि फेलियर किस तरह से ये फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, तो ये बात आप ध्यान रखें। कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया है मैं आपको, तो उसको आप समझ लें, इस वीडियो को बार बार देखें, और उसके साथ में हम दूसरा टॉपिक लेंगे इसके साथ में, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1857, फ्रीडम फाइटर्स आप समझ रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, उसमें आप बोलेंगे कि हमें तो सब पता है स्वतंत्रता सेनानी कौन होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स कौन होते हैं, हम सब लिख सकते हैं, बट हमें सिर्फ पता होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन ये होता है भी बोर्ड में कि फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखिए, है ना, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स हु हैड गिवन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 के स्ट्रगल में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उनके बारे में लिखिए। सिर्फ नाम लिखने से काफ़ी नहीं है, उनके बारे में थोड़ा जानना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट है मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में देखें क्या है, ही वॉज एन इंडियन सोल्जर एंड और एक इंडियन सोल्जर था, बहुत ही बहादुर सोल्जर था। ओके, हिज अटैक ऑन ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑन मार्च 29 मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ। अब 29th को उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक किया था। किस पर अटैक किया था, ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक किया था, उसके वजह से यहाँ पर मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ही वॉज हैंग्ड एंड व्हेन ही वॉज हैंग्ड टू डेथ ऑन 8 अप्रैल
8 अप्रैल 1857 को यहाँ पर उसको फांसी दे दी गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा उम्र नहीं थी मंगल पांडे की, 29 साल की उम्र थी, 29। ही वॉज ओनली 29 वेन ही वॉज हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट जो सोल्जर है हम उसके बारे में देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई भी आप बोले रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सब कुछ पता, अभी पूछेंगे तो आपको नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके बारे में कुछ जानना जरूरी है कि वो किस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन 1857 के स्ट्रगल के लिए दिया हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिटरमाइंड नॉट टू गिव एन डोमिनियन ऑफ झांसी। रानी लक्ष्मीबाई का ऐसा इतनी बहादुर यहाँ पे लेडी थी कि वो झांसी का डोमिनियन किसी को नहीं देना चाहती थी, किसी के ऊपर भी जो है हैंगओवर नहीं करना चाहती थी, किसी को भी हैंडओवर नहीं करना चाहती थी यहाँ पे। शी वॉज सपोर्टेड बाय तात्या टोपे, और तात्या टोपे उनको बहुत सपोर्ट करते थे। किसको सपोर्ट करते थे? रानी लक्ष्मीबाई को, है ना, बहुत सपोर्ट करते थे। शी वॉज शॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स बाय द ट्रूपर हाउवेयर। अब बाद में क्या हुआ, बाद में जब एक छोटी सी जंग हुई और उस जंग में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, एक ट्रूपर मतलब जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति था जो उनसे लड़ने के लिए आ रहा था, उसने उसकी बंदूक की गोली से यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मौत हो गई थी। बहुत ही वीरांगना लेडी थी और बहुत ही बहादुरी से इन्होंने सामना सारी चीज़ों का किया हुआ था। तो इतना आप लिख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। नेक्स्ट देखें हम तात्या टोपे। ग्वालियर इवन विथ नो फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग ही वॉज वन ऑफ द चीफ ऑफ इफेक्टिव फाइटर्स। ग्वालियर से बिलोंग करते थे वैसे तात्या टोपे, ओके, बट मिलिट्री ट्रेनिंग उनके पास कोई भी नहीं थी, कोई मिलिट्री ट्रेनिंग, जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रीडम, कोई भी फाइटर्स होता है या फिर कोई भी व्यक्ति होता है उसको वेन ही इज गेनिंग एनी ट्रेनिंग, है ना, तभी वो आगे इफेक्टिव हो जाता है। बट यहाँ पे तात्या टोपे को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और बिना ट्रेनिंग के ही एक इफेक्टिव फाइटर थे। बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया हुआ है, बहुत ही बहादुर थे और अपने कामों को करने में सक्षम रहते थे। ही वॉज हैंग्ड ऑन April 8, 1859 बाय ब्रिटिश रूलर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा 8 अप्रैल को यहाँ पर उनको फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे जी को, ठीक है। तो बात आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, 3 से 4 लाइन बहुत हैं। आपको SST को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपको बिल्कुल हवा बना लेना, हमें पढ़ता ही नहीं बन रहा है। आपको समझ लेना है, समझने के बाद में आपको उसके हिसाब से आपको लिखना है और आंसर वाइज आपके मार्क्स कितने हैं पहले आप देख लें, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, वो भी आप देख लें, उसके हिसाब से आपको लिखना है। और ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इसेंशियल होता है, ऐसा ना हो कि हमारे बाद में आंसर्स छूट जाएँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखें बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव फ्रीडम फाइटर, है ना, और उसके बारे में देख लें, शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेगम ऑफ अवध। अवध की बेगम भी उनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अवध की बेगम, ओके। शी डाइड ऑन 1879 इन नेपाल। 1857 में जो है 1879 में उनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पर डेथ हो गई थी? नेपाल में, ओके। शी रिफ्यूज टू रिट्रीट ओवर अवध इन ब्रिटिश। अवध के ऊपर कब्जा करने नहीं दे रही थी वो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी, आखिरी दम तक लड़ेंगी, दम तक लड़ने के साथ साथ में आखिरी दम तक वो खड़ी नहीं कि अवध के ऊपर कब्जा आप नहीं कर सकते, जब तक मैं जिंदा रहूँगी आप कब्जा नहीं कर सकते। तो बेगम हज़रत महल, शी वॉज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फ्रीडम फाइटर, है ना, बहुत ही बहादुर यहाँ पर वो लेडी थी और उन्होंने ब्रिटिशर्स का अच्छे से सामना किया, बहुत ही बहादुरी के साथ सामना किया है। लास्ट जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, 5 काफ़ी हैं लिखने के लिए, नाना साहेब। नाना साहेब वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ही डाइड इन 1850। बहुत ही प्रोमिनेंट, आप जमा नाना साहेब के बारे में जानते हैं, बहुत ही इफेक्टिव फ्रीडम फाइटर थे और 1859 में इनकी डेथ हो गई थी, 1859 में, ओके। ऑल्दो ही डिड नॉट प्लान टू आउटब्रेक बट ही वॉज स्किल्ड इन द एक्शन, बट उन्होंने यहाँ पर बहादुरी के साथ सामना तो किया, बट बीच में युद्ध के बीच में जो है जब ब्रिटिशर्स का सामना वो कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का सामना करते हुए वक्त में उनकी जो है मौत हो जाती है, वो किसी तरह से जो है किसी वजह से उनकी मौत हो जाती है इस युद्ध में। बट ओवरऑल ही वॉज अ वेरी इफेक्टिव फ्रीडम फाइटर और फ्रीडम फाइटर के साथ में ही गेव लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। स्ट्रगल ऑफ 1857 के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया हुआ है। तो 5 यहाँ पर बताया हूँ आपको, 5 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, ये आसानी से लिख सकते हो, थोड़ा सा पढ़ लो, वीडियो को बार बार देख लो और देखने के साथ में सुन लो,
और सुनने के साथ में आप समझ कर इसको एक बार लिख के देख लो तो आसानी से आप उसको लिख सकते हो। चाहे कॉजेस की बात कर ले, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया हूँ, फ्रीडम फाइटर्स कौन से हो गए, नाना साहेब हो गए, बेगम बेगम हजरत महल हो गया, तात्या टोपे हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हो गया, ओके, और एक और क्या था, मंगल पांडे, ओके मंगल पांडे भी हो गए। तो यहाँ पर पाँच यहाँ पर आसानी से आप पढ़ लें, और ज़रूरी नहीं है कि पाँच, वैसे मेरे हिसाब से पाँच इंपॉर्टेंट है तो आप इन्हीं को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके बारे में जानकारी जो मैं आपको बताया हूँ उसको आप देख लें, अच्छी तरह से उसको समझ लें, और आराम से आप उसको जो है क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए हमें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और आपकी जो जो भी क्वेरीज हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप दैट यू गॉट दिस वीडियो और आपने एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ लिया है। सो प्लीज़ थैंक यू।